अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, ठीक है। इसका जो है MP5 है, इसका जो है हैमर टूटा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम हैमर डालेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर इसका जो हैमर टूटा हुआ है। इसका जो स्टैंड है ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, इसको भी सेट करेंगे। और जो इसके अंदर जो मेन फोल्ड है हमारा हमारा टॉपिक जो है इसकी जो MP5 है, ये इसका जो हैमर है वो टूट चुका है। इसका हैमर हम जो है नया डालेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये स्प्रिंग रॉड इसकी होती है ना, अगर ये ना हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, चल जाती है। ये देखें इसका जो हैमर टूट गया है, ठीक है। अब जो है हमें इसके अंदर जो है हैमर डालना है दूसरा, ठीक है। तो इसको ये खोलेंगे सबसे पहले। ये पार्क मेड MP5 है और ये चलती भी अच्छी है। अच्छा, ये हैमर टूटने की वजह ये होती है जब आप खाली चोटें मारे, लोड करा टक चोट मारती, लोड करा टक चोट मारती, तो इस वजह से जो है ये हैमर टूट जाता है ना। इसके अंदर जो है हम डालेंगे ये वाला हैमर, न्यू हैमर है, ठीक है। ये हैमर, इसका ऊपर वाला जो हेड होता है ये टूट चुका है, इसका ये हेड टूट गया। ये जो है इस तरीके से जो है इससे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह जो है आपको जल्दी से जो है ये हैमर तब्दील कर दिखाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कितनी इसके अंदर जो है हमें सेटिंग करना पड़ती है और जो है कितनी जल्दी जो हैमर हम लगा देते हैं इसके अंदर। ओके, बाद में फिर डालेगा, बस किसी में डाल देते हैं, किसी को बाद में। ये काट दूंगा, ये जो इसकी पिन होती है स्प्रिंग पे लॉक होती है, ये अंदर एक स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग देख रहे हैं आप, ये साइड में जो स्प्रिंग है इसमें ये पिन लॉक होती है। ये लॉक से तो मैंने हटा दिया इसको, लेकिन अभी जो है इसको एक चोट मारेंगे फिर ये बाहर आ जाएगी पिन, ठीक है। पिन बाहर आ गई, ये इसकी पिन निकाल दी मैंने, ये इसका हैमर निकाल दिया मैंने। ये जो है कच्चे लोहे का बना हुआ था, ये इस वजह से टूट गया। देखें ये चोटें लगने से जो है इसके निशान किस तरीके से आए। ओके फ्रेंड, ये हैमर जो है हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये देख लें आप, ये न्यू हैमर है, ठीक है। ये इसका टूट गया है,
और जो ये मैं इसके अंदर नया हैमर लगा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो इसको जो है सबसे पहले तो जो है हम बगैर स्प्रिंग के डालकर देखेंगे कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये हैमर इसमें लग गया, ठीक है। अब ये देखें, ये पूरा नीचे आया हुआ है, ठीक है, ये पूरा नीचे आया हुआ है ट्रैकर, ठीक है। इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ये हैमर जो है इसके अंदर लॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका ये नीचे वाला पर जो है ना, ये ऊपर वाला पर है, ये नीचे वाला पर है इसका, ठीक है, ये वाला। ये थोड़े थोड़े जो है कम होंगे, टॉन होंगे, ताकि ये जो है इसको पकड़ ले। ओके फ्रेंड, तो इसको निकालते हैं वापसी और जो है इसको घिसते हैं।
ओके गाइस, तो ये जो है हैमर जो है लग गया है, ठीक है। ये देखें इसको, ये ठीक है। अब हम इसको फिट करेंगे, फिट करके जो है देखेंगे कि ये जो है सेमी ऑटोमेटिक वगैरह इसका ठीक काम कर रहा है या नहीं। और इस जगह पर जो है मैं आपको दिखाता हूँ खोल के, किस जगह की मैं आपको बता रहा हूँ, उस जगह पर जो है ना इस पर स्लोप आएगी हल्की सी। ओके, ओके फ्रेंड, ये देख लें हैमर जो है एकदम ठीक हो गया है। इसकी जो है हमने ये हल्की सी सेट करी है, और जो है ये इधर से जो है इसके जो पर होते हैं कॉलर, ये थोड़े इधर से और जो है इधर से दोनों साइडें कम करी हैं और जो है ये कर दिया, ठीक है। इसका जो है इधर से सेटिंग करी है हल्की सी, ठीक है। बस अब जो है इसको फिट कर दें। ओके, ये इसका जो स्प्रिंग है देख लें आप, इस तरीके से स्प्रिंग लगेगा, ठीक है। इसको जो है इस तरीके से जो है लगाना है आपने, एक ये इस ऐसे, ठीक है, और दूसरा भी जो है इसको इस तरीके से उठा के ऐसे लगाना है, सही है। उसके बाद जो है आप कोई चीज़ ऐसी देखनी है उससे जो है इसकी बांधते हैं, ताकि ये जो निकले नहीं इसका स्प्रिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप तार बांधें, आप जो है कोई भी धागा भी बांध सकते हैं, ताकि ये जो है खाली इसको हल्की सी जो है सपोर्ट मिल जाए इस तरीके से। ये इसे जो है तीन चार बल जो है इसको घुमा दें, ताकि इसका स्प्रिंग अगर निकल भी जाए तो आपके हाथ पे नहीं लगे ना, ठीक है। ये देखें, ये सेमी ऑटोमेटिक का लीवर है ना, ये आप उठाएंगे, ये वाला लीवर आप उठाएंगे, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, हैमर जो है इसका इस तरीके से अंदर लगा देना, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका हैमर लग जाएगा, ठीक है। और जो है इसको ऐसे हल्की सी चोट मार दें, ताकि इसका जो स्प्रिंग होता है वो जो है इसके अंदर जो है बैठ जाए, सही है। और दूसरे वाले को भी जो है आप इस तरीके से जो है इसमें बिठा दें। ठीक है, अब जो है इसको वापसी जो है इसको खोल दें, ताकि ये जो है स्प्रिंग जो है अपनी जगह पे बैठ जाए और जो है ये हैमर काम करने लग जाए। ओके, इस तरीके से जो है इसका हैमर लगता है। थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ती है इसके हैमर के अंदर, फिर जो है ये आसानी से जो है लग जाता है और काम भी करने लग जाता है, ठीक है। इसका जो सेमी ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है वो भी हैमर के साथ ही जो है अटैच होता है। इसकी जो है सारी सेमी ऑटोमेटिक की सेटिंग करना पड़ती है, ठीक है। ये हैमर इसका लोड हो गया, अभी जो है इसका सेमी ऑटोमेटिक जो है आपने इस तरीके से चेक करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो है साइड लॉक है, ये लगा दिया, ठीक है।
अभी जो है इसका ये लगा देते हैं हम, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये देख लें इसका सेमी ऑटोमेटिक ठीक काम कर रहा है, सही है। इंशाल्लाह जो भाई को जो है दुआ में याद रखें, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं भाई से तो आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं जो है उसी टॉपिक पे जो है आपके लिए जो है वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड, अब तक के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।